अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज है, नून लीग एक नए बयानिए के तलाश में है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद होंगे, उनसे नून लीग की सियासत के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद नून लीग क्या साथ साथ हुकूमत भी कर रही है और अपोजिशन भी कर रही है, ये एक बड़ा ही मखमसा है इस वक्त जो सामने में देखने में नजर आ रहा है। प्रोग्राम इस पर भी बात होगी। और आखिर में पंजाब और वफाक में हमने देखा कि पंजाब अहम अफसरान जो है वो वफाक को देने से इनकार कर रहा है, ये क्या मामला है? क्या ब्यूरोक्रेसी के अंदर पोस्टिंग और ट्रांसफर में वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब आमने सामने है? प्रोग्राम इस पर बात होगी। लेकिन आगाज करते हैं जी, नून लीग इस वक्त एक बयानिए की तलाश में है। इलेक्शन को जीतने के बाद, हुकूमत बनाने के बाद जिस पोजीशन में वो है, इसके बावजूद हमने देखा कि 8 महीने के अंदर ही एक नया टोन है। पीएमएलएन के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो कहती हैं कि हम बेबस हैं, हम बेख्तियार हैं, हमारे पास फैसला साजी का वो रूम नहीं है जो होना चाहिए। बहुत कम होता है कि इलेक्शन के फौरन बाद इस तरह जो गवर्निंग जमात है उसके अंदर से ऐसी आवाजें उठें। अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो हुकूमत बनाने के बाद क्या जो सबसे पहला इशू हुआ कि इमरान खान साहब को सजा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। जब भी सजाएं हुई थी तो उस वक्त जो मेन स्ट्रीम की आदत थी वो आकर कहा करती थी कि बिल्कुल ठीक सजाएं हुई, और अब आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए से नून लीग हट रही है। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि सजाएं ठीक नहीं थी। जरा सुनिए कि जो बयानिया कैसे शिफ्ट हुआ है इस मामले में। इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया, नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया। तो ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका, ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। साजिश से निकाले जाने के बावजूद क्या एक बार भी नवाज शरीफ ने कोई कौमी सलामती से खेला? इसने साइफर का ड्रामा रचाया, मुल्क की सलामती से खेला, तो ये जुर्म जो है ये संगीन जुर्म है, कोई मजाक नहीं है। जिन केसेस में आखिरी हफ्ते में सजा दी गई है तो वो सजाएं जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं, वो ठीक ही नहीं है। मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। अगर ये 3 फैसले इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले न दिए जाते। अच्छा, ये भी इमरान खान के हक में दिए गए। ठीक है सर। अच्छा मियां साहब, मेरी गलत है। अब मेरी हुकूमत कितनी फाल तौर पे इस वक्त हथियार रखती है, इसके ऊपर भी जमात के अंदर से ही बांध बांध की बोलियां बोली जाती हैं। राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब तो कहते हैं हमारे पास ट्रांसफर पोस्टिंग तक का अख्तियार नहीं। बदकिस्मती है कि ना फेयर फ्री इलेक्शन होते हैं, ना हुकूमत कोई भी वक्त की हो उसको फेयर फ्री अपनी आजादी से पॉलिसी बनाने दी जाती है। हमारे पास जो 8 फरवरी के नतीजे थे उसके मुताबिक अक्सरियती जमात हम नहीं है। सादा अक्सरियत ना होते हुए आप एक पोस्टिंग ट्रांसफर का फैसला करके वापस लेते हैं। खुदा करे जिस जज्बे से मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली है और खास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को पेश किया है, खुदा करे वो काम। नकवी साहब को उस कमेटी से दूर रखने की कोई वजह नहीं है। हाँ। अगर वो चाहेंगे तो वो कमेटी में आ जाएंगे या उस कमेटी की सरबराही भी उनको मिल जाएगी। वो तो इससे और भी बढ़ के अगर चाहेंगे तो वो उनको मिल जाएगा। आप इन लोगों को छोटा ना करें आप। अच्छा। या उनको तैश ना दिलाएं। आप कह रहे हैं कि इससे भी बड़ा ओहदा मिल जाएगा, इससे बड़ा वजीर दाखिला से बड़ा फिर वजीर आजम ही होता है सर। चलो, उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बनना चाहते, इस्तीफा किया हुआ। सो वफाक और पंजाब में हुकूमतें हैं फिर भी इतनी बेबसी। फिर जो इलेक्शन की साख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो शुरू दिन से सड़कों पे है, वो अदालतों में भी जा रहे हैं, इस हवाले से कानूनी कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद एक मूवमेंट भी चलानी है। लेकिन पीएमएलएन खुद भी इसी इलेक्शन के नतीजे में उनकी वफाक और पंजाब पे गवर्नमेंट बनी है उसकी साख पे अब निशान उठा रही है, अब सवाल उठा रही है। मियां जावेद लतीफ साहब पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अगर वो कोई भी बात करें तो उसके अंदर जो है उसमें बड़ा वजन है। बहुत सारे और भी लोगों के यही तहफ़ुज़ात हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसके ऊपर उसके मामला ठीक नहीं थे, कि बहुत सारे हमारे लोगों का ये ख्याल है कि रिजल्ट तब्दील हुए हैं। ऑन ओथ कह रहा हूँ ये बात कि पैसे लेके जताया या हराया जाए तो फिर ऐसे ही रियासतें चलती हैं। नवाज शरीफ के कहने पे मैं रुका हुआ हूँ, मेरे पास सारे सबूत हैं, मेरे पास नाम है, मैंने ऑन ओथ कहा है मैं नाम लूंगा। मैं कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी और पंजाब के अंदर भी पिक एंड चूज किया गया है। उसका मकसद क्या था? नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, हंग पार्लियामेंट लेके आना।
हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौजूद हैं राणा सनाउल्ला साहब, साबिक वफाकी वजीर दाखिला है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज। बहुत शुक्रिया राणा साहब। मैं इस हफ्ते आपके कुछ इंटरव्यू सुन रही थी, आपके भी, जावेद लतीफ साहब के भी, जो उससे पूरा एक जो बात समझ में आती है, जो आप लोग कहना चाह रहे हैं, जो इंटरप्रेट हो रहा है, वो ये है कि हुकूमत तो है लेकिन इख्तियार बहुत सारा नहीं है। तो ये तो अभी हुकूमत को बने जुमा 8 दिन हुए हैं, ये मराहिल तो हुकूमतों में कोई साल सवा साल डेढ़ साल बाद आते हैं इख्तियार की बातें, ये तो शुरू से ही आपको एक बेख्तियार से हुकूमत लग रही है, ये क्या ये मुख्तलिफ मामला है कोई, ऐसे ही होता है हमेशा? देखें, मियां नवाशी साहब ने जो कि हमारा यानी मौकफ या वर्जन नहीं है, बल्कि सभी इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के सीनियर तरीन जो है वो पॉलिटिशियन हैं। उन्होंने 21 अक्टूबर को ये कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी जो है एक ऐसी हुकूमत जिसके पास अपनी मेजॉरिटी हो वो ज़रूरी है मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकालने के लिए जिसका हम शिकार हैं, जिस दलदल में मुल्क जो फंस चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस इलेक्शन में ये मौकफ था, ये अपील थी पाकिस्तान के अवाम से कि हमें आप सिंपल मेजॉरिटी दें, मैंडेट दें, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस मुआशी दलदल से निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, अवाम ने स्प्लिट मैंडेट दिया है, जो बिल्कुल मैं उससे मुत्तफिक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अवाम का फैसला है, वो तस्लीम किया जाना चाहिए। अब मामला ये है कि स्प्लिट मैंडेट के तहत कोलिशन गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आई है। कोलिशन गवर्नमेंट के इख्तियारात इसी तरह से होते हैं। अच्छा, कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसे हर मामले पे, हर स्टेक होल्डर को, जितने भी लोग उस कोलिशन गवर्नमेंट को कायम करने में जो है वो मौजूद होते हैं, उन सबको ही ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। उसमें छोटे से छोटा फैसला जो है वो भी बाज़ औक़ात हुकूमत को करने के लिए जो है वो सैकड़ों जो है वो पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये हमने 16 माह की गवर्नमेंट में बड़ी अच्छी तरह से देखा है। ठीक है, इस बारे में मियां शहबाज शरीफ साहब की एक्सपर्टीज के हम सब कायल भी हैं, इसीलिए हमने जो है वो पार्टी ने जब कोलिशन गवर्नमेंट का मामला आया तो उनको फिर उम्मीदवार नामजद किया, और मियां नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने अपनी जो है वो नामजदगी या अपना नाम जो है वो वापस ले लिया। सही, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट के इख्तियार तो इसी तरह से होते हैं, इसी तरह से रहेगा। अच्छा, लेकिन क्या ये 2022 वाली हुकूमत है ये उससे ज्यादा पायदार हुकूमत है या उससे कम पायदार है, उससे ज्यादा इसमें आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ रहे हैं या उससे कम करने पड़े, पिछले जरा जो टेन्योर था 16-18 माह का उससे तकाबली जायजा लीजिए। पर उसका भी यही हाल था, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट थी, 13 पार्टनर थे, तो हर तीसरे दिन जो है वो कोई ना कोई जो कोलिशन पार्टनर है वो किसी न किसी बात पे आके नाराज होके बैठा होता था, और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसको मैनेज कर रहे होते थे। ठीक है, तो अब भी को हालत मुख्तलिफ नहीं है। अब आप देखें ना कि इस्सा का चेयरमैन कितनी बड़ी तैनाती है जी, या कितना बड़ा मामला है, तो उसके ऊपर क्या हुआ। लेकिन तो सर जो 2022 वाली थी राणा साहब, उसमें तो ज्यादा पार्टनर्स थे ना, उस वक्त तो वजारतें भी कोई 80 के करीब चली गई, सबको अकोमोडेट करना था। इस मरतबा तो पार्टनर्स कम है, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं है, पीपल्स पार्टी वोट दे रही है लेकिन आईनी ओहदों के अलावा वो कैबिनेट के अंदर नहीं है, और वो आपको सहारा भी दिए हुए हैं। सो क्या ये ज्यादा पायदार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो दो तहाई की आप लोग क्लेम करते हैं कि वो मखसूस नशस्तें डाल डूल के हमारे पास इतनी तादाद है। नहीं, होना तो ऐसा ही चाहिए जैसा आप फरमा रही हैं कि ज्यादा पायदार होनी चाहिए, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स के रवैयों के ऊपर उसकी कामयाबी नाकामी मजबूती या कमज़ोरी होती है, तो इसलिए ये रवैये हैं। अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट का कोई भी पार्टनर जो है वो कोई अदरवाइज रवैया अपना ले तो मामला जो है वो वहीं पे आ गया। पीपल्स पार्टी ने आपसे वजारतें तक नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ चंद आईनी ओहदे मांगे, इससे ज्यादा अकोमोडेट क्या आप चाहते हैं वो करें।
नहीं, चंद आईनी अहदे नहीं मांगे, उन्होंने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया है कोलिशन गवर्नमेंट से, और जो उन्होंने हिस्सा लिया है वो कोई कम नहीं है। इसमें ये ना समझा जाए कि वो कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, दे आर वेरी मच देयर। तो इसमें मामला ये है कि अब इसमें कंट्राडिक्शन ये भी है कि इसी कोलिशन गवर्नमेंट में एमक्यूएम भी है और इसी कोलिशन गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी है। दोनों कोलिशन पार्टीज का सिंध और कराची में जो है वो आपस में जो है वो हेड डाउन कोलिजन भी है, दे आर डैगर्ड राउंड देयर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर खाता तो कोलिशन गवर्नमेंट का ही खुलता है ना हर मामले में। तो सर, जो आपकी बातों से इंप्रेशन आ रहा है कहीं कोई खड़ाक तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे आप मुस्तकबिल करीब में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल खड़ाक कोई नहीं होगा, लेकिन ये इसी तरह से जो है ना जो है वो हिलजुल होती रहेगी और काम जो है वो आगे चलता रहेगा। लेकिन मुल्क इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार तो है ही है, लेकिन वो सियासी बहरान जो 17-18 में बिला वजह इस मुल्क के साथ कौम के साथ ज़्यादती की गई, पैदा किया गया, वो सियासी बहरान भी आज तक ख़त्म नहीं हो सका। पहले 4 साल इमरान खान साहब के उन्होंने ख़त्म नहीं होने दिया, उन्होंने जो है वो तलवार उठाए रखी कि मैं अपोजिशन को ख़त्म करके दम लूँगा। उसके बाद फिर हमारे 16 माह, फिर उसके बाद पोलिशन केयर टेकर गवर्नमेंट्स के 13 माह। ख्याल था कि इस इलेक्शन के नतीजे में सियासी बहरान ख़त्म हो जाएगा और मुआशी बहरान के खात्मे के लिए आगे बढ़ेंगे। कैसे खत्म होगा राणा साहब, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। 2018 में हमने देखा नवाज शरीफ साहब को भी अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है जी, और मुआशी बहरान तो खैर है ही है। ये जो आप कह रहे हैं कि आपका ख्याल था इस इलेक्शन के बाद मामला जो है स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे, ये किस तरह आप सोच रहे थे? क्योंकि 2018 में नवाज शरीफ साहब को जो बाहर निकाला गया इंतखाबी अमल से, इस मरतबा इमरान खान साहब को निकाल दिया गया, वजूहात जो भी हो, सियासी हो, सजाएं ठीक हो गलत हो, एक पैटर्न है, उसके बाद आप सियासी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग? बहरहाल हमारा ये ख्याल था कि ऐसा हो सकेगा कि इस इलेक्शन के बाद सियासी बहरान जो है वो ख़त्म हो जाए और हम मुआशी बहरान, इस मुआशी जो दलदल में मुल्क धंसा जा रहा है, इससे हम निकल सकेंगे। लेकिन क्योंकि सियासी बहरान के खात्मे के बगैर मुआशी बहरान से निकलना जो है वो मुमकिन नहीं है, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती है कि ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हुआ राणा साहब? क्या आपका वोटर बाहर नहीं आया उस तादाद में, वो नाराज था कि बयानियां जो छोड़ दिया आपने, वोट को इज्जत दो, या इमरान खान साहब का जो इंडिपेंडेंट बैक्ड कैंडिडेट्स थे उनके वोटर ज्यादा निकल आए? क्या पॉपुलैरिटी ज्यादा इमरान खान साहब की है या गैर मकबूलियत आपकी पॉलिसीज की थी जिसके नतीजे में इधर इस वक्त खड़े हैं ना, जो स्प्लिट मैंडेट आप कह रहे हैं? बन स्प्लिट मैंडेट की वजूहत तो खैर अगर आप उनके ऊपर जाएं तो वो तो फिर जो है वो एक लंबी डिबेट है, बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन बहरहाल जो है वो हमें भी जो है वो हमारे लोगों को भी लाखों में वोट पड़े हैं और उनको भी पड़े हैं, तो एक्सपेक्टेशन से कम पड़े हैं राणा साहब। कहते हैं कि जहां से हम कामयाब हुए हैं वहां पे इलेक्शन फेयर हुआ है, जहां से वो कहते हैं हम नाकाम हुए हैं वहां पे अनफेयर है, तो अब ये झगड़ा भी साथ जो है वो शुरू है। तो मामला ये है कि बहरहाल ये एक स्प्लिट मैंडेट है जिसके ऊपर जो है वो पॉलिटिकल कंसेंसस होना ज़रूरी है, लेकिन जो बानी पीटीआई हैं उनकी तो सियासत की बुनियाद ये है कि उन्होंने इस मुल्क में सियासी इत्तफाक़ राय नहीं होने देना, तो वो जो है वो इस बात के ऊपर तुले हुए हैं। एक और बात जो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से राणा सनावला साहब, लोग कहते हैं कि वो लोग जिनको जो जीत गए, ये हनीफ अब्बासी साहब को मैं कोट कर रही हूं, उनके ये तहफ़ुज़ात नहीं है, जिन लोगों की खुद उनको इलेक्शन से शिकवे हैं जिसमें उन्होंने जावेद लतीफ साहब का नाम लिया, तो वो लोग जो हैं उनके एतराजात ज्यादा हैं, वो ज्यादा वोकल है, उनकी शिकायत ज्यादा है, वरना इलेक्शन ठीक हुए हैं?
नहीं देखें, इलेक्शन जो भी कह रहा है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो उसे जो है वो एक सियासी या आईनी और कानूनी तरीकाकार अपनाना चाहिए ना, यानी वो पीटीआई हो या कोई और हो या कोई और जमात हो, तो जब एक आईनी और कानूनी तरीकाकार वजह है कि उसके मुताबिक आप अपने जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेस करवाएंगे तो वो जाएं वहाँ पे। हम जब 18 के बाद ये शिकायत करते थे तो यही पीटीआई हमें कहती थी कि जी आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, आप इनको, इन्होंने पार्लिमानी कमीशन बनाया था धांधली की जो है वो तहकीक के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, तो वो बाद में फिर उन्होंने उसको काम ही नहीं करने दिया। अब बना लें, अब पार्लियामेंट में वो मौजूद है, तो फिर क्या इसका आगाज शायद नवाज शरीफ साहब के हलके से हो जाए, नवाज शरीफ साहब के हलके से हो जाए, कि ये भी कहा जावेद लतीफ साहब जहां से मर्जी कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब को खुद ऑफर कर देना चाहिए कि मेरा हलका जो है इससे शुरू किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सवालात उठ रहे हैं ना। नहीं देखें, बात सवालात की नहीं है, वो मेरा हलका हो या मियां नवाज शरीफ साहब का हलका हो या किसी का हलका हो, अगर आपने कोई जुडिशियल कमीशन के ऊपर इत्तफाक की राय होता है, पार्लियामानी कमीशन के ऊपर इत्तफाक की राय होता है, पिछली दफ़ा इन्होंने बकायदा पार्लियामानी कमीशन बनाया था, उसमें हमने बकायदा जो है वो पार्टिसिपेट किया, पहला अजलास हुआ, उसके बाद इन्होंने दूसरा अजलास नहीं होने दिया। वो पार्लियामानी कमीशन बना रही है, जो भी तरीकाकार है उसके मुताबिक जिस हल्के से चाहें शुरू कर लें और सारे इलेक्शन को जो है वो देख लें, इससे तो किसी ने इनकार नहीं किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको फैसला करने दें, अदालतें हैं उनको फैसला करने दें, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, लेकिन मामला यह है कि अगर आपने ये काम भी करना है और साथ आपने लॉन्ग मार्च भी करना है, साथ आपने जलसा भी करना है, साथ जुलूस भी करना है, साथ आपने सड़क को भी गर्म करना है, तो फिर ये दो काम जब होंगे तो फिर कम अज़ कम जो है ये मुल्क जो है ये फिर मुआशी तौर पर जो डिस्टेबल हुआ हुआ है इसको आप कहें कि ये स्टेबल हो जाए, तो ये तो फिर आप हुकूमत के ऊपर दोष ही देंगे, इससे जो है वो मुल्क इस मौशी बहरान पे काबू तो नहीं पा सके। सुराना साहब, अब अगले आप 1.5 से 2 साल देख रहे, फायर फाइटिंग ही होगी, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब हों उनको तो परेशान होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के होते ही 8वें हफ्ते में एक स्कैंडल आ गया, खत लिखा गया, वो इंक्वायरी हो गई, सो मोटो हो गया, ये सारे मामला तो उस तरफ जा रहे हैं, ये फायर फाइटिंग मोड में रहेगी हुकूमत ही, आपको लग रहा है विफाक के अंदर? देखिए जी, जब फायर होगी तो फिर फायर फाइटिंग भी होगी, ये तो वही तो मैंने बात की है कि इस इलेक्शन के नतीजे में हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सियासी बहरान जो है वो सेटल हो जाएगा और मौशी बहरान के लिए हम भी तैयार थे, कोई और किसी को लोग मैंडेट देते वो तैयार होता कि मौशी बहरान को दूर करने के लिए जो है वो हम सफ़र का आगाज़ करेंगे, सभी ऑन बोर्ड हों। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि इस वक्त मुल्क जिस बहरान में है इससे निकलने के लिए हम सबको, उन्होंने तो अदारों का भी नाम लिया था, अदारों की तरफ भी इशारा किया था कि सब सर जोड़ के बैठे, ठीक है, तो फिर हम इस बहरान से निकल सकते हैं। सर, नवाज शरीफ साहब ने लीड क्यों नहीं किया? सर नहीं जुड़े हुए, तो फिर आप कैसे निकलेंगे? सर, वो सबसे सीनियर सियासतदान है पूरे, बल्कि रीजन में अगर हम देखें तो सबसे सीनियर सियासतदान है, तो उन्होंने लीड क्यों नहीं किया? शहबाज साहब गवर्नमेंट तो बनाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब बड़ी एक लिमिटेड सी पोलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर इतनी सीरियस है इस बहरान को खत्म करने में उनका किरदार, जो उनके सियासी कद के हवाले से आपके मुताबिक, क्या वो किरदार अदा करना चाहते नहीं है या करेंगे, अभी इंतजार कर रहे हैं? वो किरदार अदा करना चाहते थे, करना चाहते हैं, लेकिन मैंडेट के बगैर तो नहीं हो सकता, अगर उन्हें मैंडेट मिलता तो वो बिल्कुल गवर्नमेंट फॉर्म करते और वो ड्राइविंग सीट पे भी आते और वो अपनी एफर्ट्स करते, लेकिन जिस तरह से मैंडेट स्प्लिट आया है और उसके बाद फिर कुलिशन गवर्नमेंट बननी थी, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मेरा तो कोई कुलिशन गवर्नमेंट का मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो अगर ये गवर्नमेंट हमें बनाना पड़ती है तो फिर उसके लिए मियां शहबाज शरीफ साहब मौजू हैं, और हमने पहले कहा था कि ये दूसरे साहबान जो हैं सुन्नी इतिहाद कौंसिल या पीटीआई के लोग, तो हमने तो कहा था कि ये गवर्नमेंट बना लें, और उन्होंने कोशिश भी की,
पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह साहब से मुतलक कहा जाता है, उन्होंने बकायदा राबता किया इनसे कि जी हम आपके साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं, लेकिन इन्होंने तो किसी के साथ मिलना ही नहीं है, ना किसी के साथ बैठना है, ना किसी के साथ बात करनी है, ना किसी के साथ गुफ्तगू करनी है, तो फिर ऐसी सूरत में कंसेंसस कहां से आ जाएगा। रान साहब यहाँ एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो फिर आगे गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है राणा सनाउल्ला साहब। राणा साहब, मुझे फिर भी आप थोड़ा इसको मेरे लिए एलैबोरेट करें। आप बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेकाम आप लोग फोर्सी कर रहे थे और मैंडेट स्प्लिट आ गया, इस वजह से नवाज शरीफ साहब किरदार अदा कर नहीं पा रहे। अब आपकी जो मुखालिफ सबसे बड़ी जमात थी उसका पास इलेक्शन सिंबल भी नहीं था, उसके पास मखसूस नशिस्तें भी नहीं हैं, उनके जो कैंपेन कैंडिडेट कर भी नहीं सके हैं, उसके बावजूद ये जो मैंडेट स्प्लिट आया, क्या कोई तश्वीश है कहीं कि भाई इतना कुछ बंदोबस्त के बावजूद एक वाजे मैंडेट नहीं ले पाए और कुछ काफी बड़ा मैंडेट का एक चंक तहरीक इंसाफ को फिर भी मिल गया? नहीं, ये बंदोबस्त ना होता तो ये मैंडेट भी ना होता। अच्छा, क्या मतलब? ये बंदोबस्त के रिएक्शन में ये मैंडेट उनको मिल गया है, वरना अगर नॉर्मल हालात में इलेक्शन होते तो ये मैंडेट ना उनके पास होता। तो जब बंदोबस्त हो रहा था राणा साहब, उस वक्त आपको तहफुजात थे कि इतना कड़ा बंदोबस्त है कहीं उसका इतना कड़ा नतीजा ना आ जाए, इतना बड़ा रिएक्शन ना आ जाए? जी बिल्कुल, ऐसे बंदोबस्त का हमेशा सियासी तौर पे रिएक्शन होता है, और ये खास तौर पे जो इनको सजाएं हुई हैं पिछले आखिरी हफ्ते में, जो है वो 31 साल कैद व मुशक्कत, और उसका जो है वो इम्पैक्ट जो है मेरा ख्याल 10-15% तो इसी से जो है वो उनको फायदा पहुंचा होगा, जो उनका विक्टिम कार्ड जो था वो चार्ज हुआ। तो इमरान खान साहब के जेल में होने से आपको नुकसान हुआ या जेल से बाहर होने पे ज्यादा सियासी नुकसान होता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके बाहर होने से हमें ज्यादा नुकसान होता, लेकिन मामला ये है कि वो ठीक है, वो अदालतों की सवाबदीद पे जो है वो मामला था, वो अदालतें जो है वो उसके मुताबिक उसको जो है वो हैंडल करती, लेकिन मामला ये है कि ये जिस बंदोबस्त का वो कह रहे हैं कि जी देखें जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई और उस वजह से जो है वो फिर भी हम जीत गए, वो नहीं भाई, फिर भी नहीं, आप जीते ही इसी वजह से हैं, वरना आप कोई ना जीतते। सो इमरान खान साहब अगर पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे हमारी है, मेरी असेसमेंट ये है कि ये इस बंदोबस्त की वजह से जीत गए। सो इमरान खान साहब अगर बाहर होते, उनसे इंतखाबी निशान ना जीता जाता, तो पीएमएलएन के इलेक्शन रिजल्ट्स बेहतर होते? जी मेरा ख्याल है कि अगर एक जो है वो एक ऐसे माहौल में जिसमें सबको मौका मिलता तो उसमें पीएमएलएन की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होती। सर थोड़ा सा एक गवर्नेंस वाले इशू पे आ जाएं, या इस तरह से ले लें कि 2018 में अगर हमारे साथ ये सारा कुछ ना हुआ होता तो उस वक्त ही जो है ये वैसे ही ये फितना जो है ना ये वैसे ही अब तक किस्सा पारीना बना होता। अच्छा, यानी उस वक्त के जो बंदोबस्त था उसका भी आपको नुकसान हुआ, उस वक्त के बंदोबस्त का भी आपको ही नुकसान हुआ? जी ठीक है। अच्छा, थोड़े गवर्नेंस के मामलात पे आ जाते हैं सर। ये क्या इस वक्त कोई पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के ऊपर विफाक और पंजाब के अंदर अग्रीमेंट नहीं है? दो तीन जो खास तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने तो रिकमेंडेशंस की, वो पंजाब उनको रिलीज नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं इन मामलात के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा, ये सही असेसमेंट है? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग असेसमेंट है। अच्छा, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद नहीं है ना, काफी 10 दिन हो गए। वो जिन साहब को वहाँ पे भेजा गया था तो उनकी ज्वाइनिंग में वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए। जी जी, वो जूनियर थे ना। तो हाँ, तो बस ये ऐसे खामखा दूसरी तरफ बात को घुमाया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। सर इसके अलावा जो हम देख रहे थे वो सेक्रेटरी CNW है, उनको भी पंजाब रिलीज नहीं कर रहा, तो जो सेक्रेटरी इंटीरियर हैं उसके ऊपर भी मुख्तलिफ राय थी, वो प्रिवेल कर लिया शहबाज साहब ने, लेकिन जो पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के ऊपर कहीं आमने सामने है? क्योंकि समझ नहीं आ रही, वरना अगर जूनियर है तो कोई लगा दे IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, लग ही नहीं रहा। नहीं, इसमें ये देखें, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन तो होती हैं और ये एक रूटीन मैटर होता है, इसमें आमने सामने वाली बात जो है ना ये गलत है। ठीक है, आमने सामने वाली बात कोई नहीं है। अच्छा,
एक और जो बात की जा रही है, इसको कंफर्म कर दें, डिनाई कर दें, क्या कोई ऐसी कानून साजी हो रही है जहां पे चीफ जस्टिस साहब की तो तैनाती की मुद्दत है उसमें कोई तौसी के बारे में सोचा जा रहा है, उसको 3 साल किया जा रहा है, कहीं ये कोई सोच है, कहीं ये कोई बातचीत सुनगुन है? नहीं, ये भी इसी तरह से एक एंगल है जिसे अफवाह साजी के जरिए जो है ना वो फैलाया जा रहा है। और इसमें शायद मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब की पर्सनैलिटी को, उनकी शख्सियत को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जी वो शायद गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट इस मामले में उनको जो है वो ओबलाइज कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। और काजी फैज ईसा साहब बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं, वो किसी ऐसी जो है वो डील का या किसी ऐसे मामले का हिस्सा भी नहीं होंगे। ये आपने गिरफ्तारियों वाली बात की, वो आप मजाक में कर रहे थे, वो एक इंटरव्यू में सुन रही थी आपका, वो उसने ऐसे एंकर ने मजाक में कहा तो आपने भी कहा हाँ जी लगता है गिरफ्तारियां हो जाएंगी, या कोई सीरियस कंसर्न है आप लोगों के, या ऐसी बस शुगल था वो सवाल जवाब का सेशन था? गिरफ्तारियां किसकी? आपने बोला ना कि ये ना हो कि हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर, या आपको इंटरव्यू दे रहे थे उस पे एक न्यूज़? नहीं नहीं, वो तो उन्होंने ये बात की थी कि आप इमरान खान साहब को जेल में जो सहूलतें दी जा रही हैं आपको बहुत तंग रखा गया था, तो आप इन सहूलतों की मुखालफत इसलिए नहीं कर रहे कि आप समझते हैं कि कल को अगर हमें जेल जाना पड़ा तो आपको भी फिर ये सारी सहूलतें मिलेंगी। जी जी, तो जी। उसका मैंने जो है वो लाइट मूड में जवाब दिया था, मैंने कहा ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कि कब किसी के बाहर आने और कब किसी के अंदर जाने की बारी आ जाए। तो ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, अब जो भी जाएगा उसे ये सारी सहूलतें जो है वो मिलनी चाहिए। सही है। अच्छा, क्योंकि उससे इंप्रेशन लोगों ने ये किया कि आप कुछ ऐसे कह रहे हैं कि टेबल टर्न होते हुए शायद होने हो सकते हैं, कोई एंटिसिपेट कर रहे हैं आप, कोई मुस्तकबिल करीब में टेबल टर्न होने की बात कर रहे हैं। नहीं, तो ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आप चले आप पिछले 5 साल की बात कर लें या पिछले आप 10 साल की बात कर लें, यहाँ पे कोई टेबल टर्न होने से पहले कोई इतना लंबा चौड़ा बंदोबस्त होता नहीं है, यहाँ पे टेबल टर्न हो जाते हैं। तो वो तो मैंने उस बैकग्राउंड में बात की है। ठीक है, यानी अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो अभी जो आपकी ये पंजाब के अंदर आप बतौर मुशीर जा रहे हैं, क्या ये इतला दुरुस्त है, क्या ये मामला सारे तय हो गए हैं, या अभी फिलहाल सोच रहे हैं वेट एंड वॉच पॉलिसी? देखें, इसमें पार्टी के अंदर जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं, तो उसमें दो नुक्ते नज़र हैं। एक ये है कि सब लोगों को शामिल होना चाहिए, अब अपना कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहिए। एक नुक्ता नज़र ये है कि जो लोग इलेक्ट हुए हैं उन्हें जिम्मेदारियां जो है वो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मिलनी चाहिए, उन्हें ही अदा करना चाहिए। अगर कोई आदमी इलेक्ट नहीं हुआ तो उसे जो है वो बाहर बैठना चाहिए। तो अब इसके ऊपर जो भी फैसला पार्टी करेगी उसके मुताबिक अमल हो जाएगा। यानी भी फैसला नहीं हुआ, आपकी अपनी ख्वाहिश क्या है पंजाब में एज ए एडवाइजर? जी, मेरी राय तो ये है कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो लोग मुंतखब हों उन लोगों को जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ठीक है रान साहब, बस कंक्लूडिंग सवाल, क्योंकि अभी जो इलेक्शन के नतीजे में 2022 के बाद वोट को इज्जत दो के बयानिए से जो डिस्टेंस किया उससे आपका वोटर नाराज था, वो उस तादाद में नहीं निकला, एक आपके अपनी जमात के अंदर से भी ये राय आती है, अब दोबारा उस बयानिए के को पकड़ना आसान है क्या? क्या अब लोग आपकी अगर इस वक्त बेबसी बेख्तियारी की बात कहेंगे तो लोग वो बाय कर लेंगे आपको लगता है, जब पंजाब में गवर्नमेंट हो विफाक में गवर्नमेंट हो? देखिए, ये बात की तो जा रही है कि वोट को इज्जत दो किसे पीएमएलएन का जो डिस्टेंस हुआ उस वजह से नुकसान पहुंचा, लेकिन हकीकत यह है कि डिस्टेंस हुआ नहीं है। अच्छा, हमने तो ये कोशिश की कि मुल्क 2017-18 में जिस सियासी बहरान का शिकार हुआ था उस सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए जो है वो आगे बढ़ा जाए, और खामखा का जो एक झगड़ा किसी तरफ से भी है उसे जो है वो आगे ना बढ़ाया जाए। तो वोट को इज्जत देने और वोट के मामलात में जो मौकफ है वो पार्टी लीडरशिप का पार्टी का वही है, लेकिन बहरहाल अगर लोगों में ये तसर गया है तो ये मैं समझता हूँ कि तसर तो गलत है लेकिन बदकिस्मती है कि बाज़ औक़ात गलत तसर जो है उसे भी
जो है वो सही बना के पेश कर दिया जाता है। सुरान साहब के असेसमेंट क्या है, क्या मुल्क में मिजाज बदल चुका है खासतौर पर नए वोटर का? लोग अब वो बात नहीं सुनना चाहते, वो मजामती सियासत की तरफ ज्यादा माइल है, इस इलेक्शन से क्या हम ये समझ सकते हैं? देखें, मजामती सियासत जो है वो उसकी हमेशा जो है वो पजीराई रही है। हमने PMLN ने और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ ने और उसके साथ हमने भी पिछले 32 साल तो मुझे हो गए, उन्होंने हमेशा जो है वो मज़ाहमत की सियासत की है और मज़ाहमत की सियासत जो है उसको अवाम में पज़ीराई मिलती है। लेकिन मामला ये है कि मज़ाहमत की सियासत जो है ना, उसमें भी एक मुफाहमत का एंगल भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मज़ाहमत में जो है वो मुल्क का भी नुकसान कर दें और अपना भी नुकसान कर दें और मुल्क को एक ऐसी सूरत हाल से दो चार कर दें कि कोई जो है वो सही रास्ता जो है वो बन ना पाए। इस वक्त मुल्क जो है वो ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है, इसे मफाहमत की ज़रूरत है। लेकिन चारों अतराफ जो है ना वो मज़ाहमत के ऊपर जो है ना हर कोई तला हुआ है, तो अगर ऐसा रहेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के समय। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम जिक्र करेंगे पंजाब और विफाक में मुख्तलिफ ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के हवाले से जो इत्तफाक नहीं हो पा रहा, मतलब इस्लामाबाद जैसे शहर में अभी तक IG की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, ऐसे मामले पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब और वजीर दाखला के दरमियान पोस्टिंग और ट्रांसफर पे ठनी हुई है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वफाकी दारुल हुकूमत में अब तकरीबन 10 दिन हो गए हैं जिससे IG का ओहदा खाली पड़ा है। वजीर दाखला मोहसिन नकवी ने 29 मार्च को DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी की बतौर IG इस्लामाबाद तैनाती की थी। जराए के मुताबिक वजीर आला पंजाब ने DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी को बतौर IG इस्लामाबाद रिलीव करने से माजरत कर ली। इसी तरह मोहसिन नकवी सेक्रेटरी CNW सोहेल अशरफ को PCB में लगाना चाहते थे, तहम पंजाब हुकूमत ने उन्हें भी PCB रिपोर्ट करने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी की तैनाती ये कहकर रोक दी कि अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए सेक्रेटरी को फौरी तब्दील नहीं हो किया जा सकता। जराए के मुताबिक वजीर दाखला ने पंजाब में निगरान वजीर आला की हैसियत से जिन अफसरान के साथ काम किया वो उनको ज्यादातर विफाक में लगाना चाहते थे। इस जमीन में सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब ने IG पंजाब उस्मान अनवर को सेक्रेटरी दाखला लगाना चाहा, लेकिन विफाक की हुकूमत इस पर भी राजी नहीं हुई। जराए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने विफाक से दरख्वास्त की है कि सूबे से विफाक के अफसरान का तबादला करना है तो पंजाब हुकूमत को पहले एतमाद में लिया जाएगा। ये क्या मामला है? तारिक मुनीर भट्ट साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं AIRY न्यूज के, उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। ये क्या एक रेगुलर काम है, ये होता है विफाक और पंजाब के दरमियान पोस्टिंग ट्रांसफर तैनातियां उसमें जाते हैं, या ये कोई खास मामला है? क्योंकि कोई दूसरी तीसरी पोस्टिंग के वजह से हम देख रहे हैं कि पंजाब उनको रिलीज नहीं कर रहा अफसरान को, इसका ये पूरे जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये हो क्या रहा है। जी जी, मैं बताता हूँ मरिया। असल में सूरत हाल ये है कि जब एजुकेटर CM मोहसिन नकवी जब पंजाब का चार्ज लिया तो उनके साथ जितनी ब्यूरोक्रेसी थी ना, एक पूरा टीम वर्क बनकर उन्होंने उनके साथ काम शुरू किया और फिर आपको जिस तरह उन्होंने जितना उनको टाइम मिला पंजाब में डेवलपमेंट के हवाले जो भी था, पूरी सड़कें बनाई पूरा पंजाब में उन्होंने, लाहौर इस्लाम रावलपिंडी मुख्तलिफ शहरों में वो एक टीम वर्क बन चुका था ब्यूरोक्रेसी के साथ। और उसमें जिस तरह आपने सोहेल अशरफ का नाम लिया, वो CNW है, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल थी IG पंजाब और CCPO लाहौर, ये सारे पूरा उनके साथ काम कर रहे थे। और उन्होंने बड़ा जब उनका एज ए CM जब उन्होंने सीट छोड़ी और वो वफाक में चले गए और BCP के चेयरमैन भी साथ बन गए और वफाकी वजीर दाखला भी, तो फिर उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो चूंकि वो उन्होंने इनके साथ बड़ा अच्छा उदारा था और बड़ा अच्छा वर्क था उनके साथ, तो वो चाहते थे कि वो एक उनमें से काफी बंदे अपने साथ वो लेके जाएं, जिसमें तो कुछ वो उसमें BCP में लेके जाना चाहते थे, जिस तरह सोहेल अशरफ है, इस तरह कुछ एक कुछ बंदे उन्होंने इंफॉर्मेशन के अपने साथ ले भी गए, लेकिन इस तरह सुहेल को लेके जाना चाहते थे उन्होंने, फिर मदद की मरियम ने, क्योंकि वो अब तक जितना सेटअप जो केयर टेकर चल रहा है ना पंजाब में, तकरीबन एक आध के सवाल तकरीबन तो वही टीम है, क्योंकि वो मोहसिन नकवी ने इतना काम कर दिया था जो जब इस मरियम ने चार्ज लिया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल थी, तो और कई काम जो थे वो हो चुके थे और कई काम अभी जारी थे। अच्छा। तो मरियम साहबा को यह पड़ा था एज ए CM कि अब मैं उतनी स्पीड में जिस तरह मोहसिन ने एक काम तो किया था पंजाब के लिए, तो उसकी ख्वाहिश थी मैं भी ऐसी काम, और टीम भी बड़ी वो उनके साथ अटैच थी,
इसलिए जब शुरू हुआ तबादलों का सिलसिला तो फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब ने ये फौरी तौर पर कह दिया मरकज में कि जी हमें ये जो बंदे हैं ये नहीं चाहिए। जैसे अली रिश्ते की मिसाल आपके सामने, इनको आई जी इस्लामाबाद का बड़ा बड़ी 29 दिन इनके अंडर हो चुके हैं लेकिन उनको रोक दिया गया है। इसी तरह एक दो, अच्छा एक मैं आपको और बताता चलूँ, एक दो जो वजीर आजम पाकिस्तान शिबाशी वो भी कुछ बंदों को ले जाना चाहते थे, ठीक है। जिस तरह प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उमैर सैयद वो उनको ले गए हैं मरकज में, ठीक है, उनको ले गए। इस तरह मोहसिन नकवी भी ले जाना चाहते थे। अब ये हुआ है कि उन्होंने कहा यदि जब तक मैं ना कहूंगी हमसे ना गए कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। अब हो ये हो रहा है कि अब उन्होंने कुछ जो कुछ थोड़ी बहुत कोई ट्रांसफर ऐसी करनी जरूरी होती है तो स्पेशल रूल जो है वो रिलैक्स करके उनको बकाला तौर पे ना फिर वो जो है ना वो पोस्टिंग मरियम साहबा करती हैं या करवाती हैं। अदरवाइज अभी तक ये ठन चुकी है और बड़ी चीजों पे अभी तक वो बिल्कुल मामला जो है ना रुका हुआ है और बस जो है ना नहीं हो रहे, क्योंकि वो उनको ख्याल है कि इसी टीम के साथ मैं चलूं क्योंकि इन्होंने बहुत पहले काम किया है काफी डेवलपमेंट के हवाले से और चीजों पे, और वो चाहते हैं जिस तरह आईजी साहब हैं वो इनको भी नहीं हटाना चाहते। सीसीपीओ लाहौर हैं वो इनके लिए जो चाहते हैं कि यही काम चले। इस तरह आपको बताऊं सिर्फ गुजरांवाला जिला डिप्टी कमिश्नर है वो सिर्फ तब्दील हुआ है, वो भी मुस्लिम लीग नून वालों की बड़ी शिकायत थी कि ये पर इसमें तो ये भी बट साहब एक एंगल है ना कि ये जिमनी इंतखाब के बाद होंगी अगर तब्दीलियां भी होनी है 21 अप्रैल के बाद होंगी, 21 अप्रैल के बाद अब देख रहे हैं कुछ उखाड़ पिछाड़ होनी है। नहीं मरी जो लग रहा है ना 21 देखिए इसमें कोई शक नहीं कि 12 सीटों पे पंजाब के इलेक्शन हो रहा है जिनमें से 4 सीटें लाहौर में हैं उनमें से कुछ हिस्सों में रुका हुआ है लेकिन लग ये रहा है कि जो अहम जो ओहदे हैं ना उनमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तक जो उनका कोई बोर्ड लग नहीं रहा पंजाब हुकूमत का या जो बंदे उनके साथ काम कर रहे हैं तो वो उनको यहाँ से जो है ना वफाक में भिजवाना नहीं चाहते। तो चंद सीटों पर हो सकती है लेकिन बाकी जो है ना एडिटेड देखे ना वो ही जो डिप्टी कमिश्नर हैं वही इंतजामिया कंटिन्यू करेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ तारिक मुनीर बट जूते। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।